देश में दलितों को लेकर राजनीति गर्म है। दलित शब्द का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए अक्सर होता रहा है। बोलचाल में भी लोगों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना जाता रहा है, लेकिन अब बोलचाल और लिखित में दलित शब्द का प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस शब्द में सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को लिखित आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि अब सरकारी स्तर पर या कहीं भी दलित शब्द का प्रयोग वर्जित होगा। यही नहीं, सरकारी पत्रावली से लेकर किसी भी दस्तावेज में भी दलित शब्द का प्रयोग करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 21 जनवरी को दिए आदेश के मुताबिक सरकारी दस्तावेजों और अन्य जगहों पर दलित शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। केंद्र ने मध्य प्रदेश कोर्ट के दिए आदेश का हवाला देते हुए केंद्र ने सभी प्रदेशों में दलित शब्द का प्रयोग बंद करवाया है। इससे पहले 10 फरवरी 1982 में नोटिफिकेशन जारी कर हरिजन शब्द पर भी रोक लगाई गई थी। हरिजन बोलने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि दलित शब्द का प्रयोग करने पर कितनी सजा का प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रमुख सचिवों को लिखे पत्र में साफ किया है कि दलित शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं मिलता है। हालांकि इससे पहले 1990 में इसी तरह का आदेश जारी हुआ था, जिसमें सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सिर्फ उनकी जाति लिखने के निर्देश दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।